नए चैनल ग्लोबल पुर में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में क्लास टेंथ मैथ का एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 से आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले 1 से 5 तक का सॉल्यूशन कर दिए, अगर नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध कीजिए कि यानी कि दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए, लिख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दे दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है और कह दिया कि ए और बी न्यून कोण है, तो फिगर बना लिए हैं। देखिए, ए और बी कह दिया कि न्यून कोण है, इसलिए ए और बी को यहाँ लिए हैं, सी हो जाएगा 90 डिग्री। तो सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, बहुत आसान है। देखिए, प्रूव्ड करते हैं कैसे होगा। प्रूफ यानी कि हिंदी में इसको प्रमाण कहते हैं। तो ये जो दिया है इसके अनुसार चलते हैं, यानी दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, लिख लिए हैं जो आपको क्वेश्चन में दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी, इसको लिख लिए। अब फिगर के अनुसार चलते हैं कि कॉस ए होगा क्या। देखिए, कॉस ए के सामने का अगर भुजा देखेंगे, ये बी सी आ रहा है, जो कि ये बनेगा लंब और ये बनेगा आधार और ये कर्ण कभी बदलता नहीं है, इसलिए ए के सामने का भुजा जो है ये लंब हुआ। लेकिन कॉस थीटा में याद कीजिए सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार आधार बनेगा ए सी और कर्ण है ये ए बी, तो यहाँ हो जाएगा आधार यानी ए सी बटे कर्ण हो जाएगा इस ए बी बराबर कॉस बी। बी के लिए देखेंगे तो बी के सामने का भुजा हो गया ये ए सी, ये बनेगा लंब और ये होगा आधार, फॉर्मूला तो वही लगेगा आधार बटे कर्ण, आधार हो गया बी सी और बटे कर्ण हो गया ए बी, यहाँ हो जाएगा बी सी बटे ए बी। यहाँ से देखिए ये ए बी कट जाएगा, यहाँ से निकलेगा ए सी बराबर बी सी, ये दोनों बराबर निकला। अब फिगर में देखिए ए सी बराबर बी सी निकला, लेकिन हमको प्रूव्ड करना है कौन ए बराबर कौन बी। देखिए, कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसमें दो भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होता है, तो ए सी के सामने का कोण हो गया ये बी और बी सी के सामने का कोण हो गया ए। यहाँ से देखेंगे तो ए सी के सामने का कोण हो गया बी यानी कोण बी बराबर बी सी के सामने का कोण हो गया ये ए, हो गया कोण ए। यहाँ कैसे हुआ, यहाँ लिख सकते हैं समान भुजा के सम्मुख कोण, लिख दिए हैं, क्योंकि कोई भी त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, ये क्लास 9th में पढ़े होंगे, तो उस आधार पर लिख दिए समान भुजा है उसके सम्मुख कोण बराबर हो गया। अब प्रूव्ड करना है ये कोण ए बराबर कोण बी, तो सीधा करके लिख देते हैं, अतः कोण ए बराबर कोण बी, ये प्रूव्ड हो गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर सात में लिखा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो, तो एक नंबर में कह रहा है कि 1 + sin θ (1 - sin θ) / 1 + cos θ (1 - cos θ) और दो में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। देखिए, लिख लिए, फिगर बना लिए ए बी सी, इसमें इस कोण को मान लिए थीटा है, तो क्वेश्चन के अनुसार चले तो यहाँ लिखा है कॉट थीटा बराबर 7/8। तब कॉट में फॉर्मूला क्या होता है, देखिए टेन में होता है पी बाय बी, तो इसमें हो जाएगा बी बाय पी यानी कि आधार बटे लंब हो जाएगा। अब इस एंगल के सामने की भुजा देखें, ये बनेगा लंब, ये बनेगा आधार, तो इस अनुसार यहाँ जो है बी हो जाएगा आपको 7 के और पी हो जाएगा 8 के, यहाँ चूँकि के मानना पड़ेगा इसलिए कि ये अनुपात है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ के मानना पड़ेगा, तो माना कि बी बराबर हो गया 7 के, पी बराबर हो गया
एट के, तो यहाँ से एच निकाल लीजिए, होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर, यहाँ पी का मान हो गया सेवन, एट के का स्क्वायर प्लस सेवन के का स्क्वायर और इसका रूट। आगे बढ़ाएं तो ये हो गया चौंसठ के स्क्वायर प्लस उनचास के स्क्वायर, और इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 113 के स्क्वायर, के स्क्वायर तो निकल जाएगा तो h बराबर फाइनल निकलेगा 113 का रूट के। यहाँ से h पता चल गया कर्ण 113 का रूट के। अब एक नंबर में हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, एक नंबर में वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा बाय वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ये एक नंबर में पूछ रहा है। तो इसमें देखिए, इस तरह का जो भी सवाल आएगा पहले आपको तीनों भुजा मन निकालना जरूरी है। तीनों भुजा निकाल लेने के बाद इसका मन आराम से पुट कर सकते हैं। चलिए हल करते हैं, देखते हैं। वन प्लस साइन थीटा, साइन थीटा होता है पी बाय एच, वन माइनस पी बाय एच बाय वन प्लस कॉस में होता है बी बाय एच, यानी आधार बटे कर्ण बी बाय एच, और ये हो गया वन माइनस बी बाय एच। इसमें अगर मान भरें तो वन प्लस पी, पी का मान देखें, पी का मान आठ के बाय एच, एच का मान, एच का मान हो गया वन 113 का रूट के। उसके बाद यहाँ हो गया वन माइनस, यही चीज होगा आठ के बटे 113 का के बटे वन प्लस बी, बी का मान देखिए, बी का मान हो गया आपको सेवन के बाय एच का मान, तो वही है 113 के इंटू में वन माइनस सेवन के बाय 113 के, इसका मान पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व अगर करें तो क्या होगा, देखिए देखिए इसको सॉल्व करते तो यहाँ से ये के कट गया सबका, के कैंसिल, तो बच गया वन प्लस एट बाय वन प्लस एट बाय वन थर्टीन का रूट, और इधर इंटू में वन माइनस एट बाय वन थर्टी का रूट बाय वन प्लस, वहाँ सेवन है, सेवन बाय वन थर्टी का रूट हो गया, और वन माइनस सेवन बाय वन थर्टी का रूट। देखिए इससे पहले अगर हम चाहें तो यहाँ फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उससे क्या होगा सोल्व करने में आपको आसानी होगा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है। उसी तरह नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, उससे क्या होगा सोल्व जल्दी हो जाएगा। तो मान बिठा दिए हैं तो इसलिए चलिए हल कर लेते हैं। आप वैसे भी कर सकते हैं इसका फॉर्मूला लगा के a प्लस बी का, अगर यहाँ फॉर्मूला लगाएं तो गुना करने से बच जाएंगे, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी तरह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर, यानी कि एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आठ बाय 113 का हो गया स्क्वायर बाय, उसी तरह नीचे वन का स्क्वायर माइनस सेवन बाय 113 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कैसे हुआ तो देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। यहाँ से इसका प्रयोग कर लिए तो देखिए आगे इसको आगे सॉल्व करें तो एक का स्क्वायर एक, ये हो गया चौंसठ बटे 113 बटे वन प्लस वन माइनस, ये हो गया उनचास बटे 113, चूँकि रूट समाप्त हो जाएगा स्क्वायर के कारण, तो सॉल्व आगे करेंगे तो हो जाएगा एलसीएम 113, ये हो जाएगा 113 यहाँ
माइनस 64 बटे, ये भी यहाँ आ जाएगा 113 माइनस 49 बटे 113, यहाँ से 113 कट जाएगा तो क्या बनेगा, ऊपर में 113 में 64 घट जाएगा, हो जाएगा 49, उसके बाद बटे, बटे में देखिए यहाँ से 113 में 49 घट जाएगा, 113 में 49 घट जाएगा तो 4 और यहाँ बचेगा 10, 64। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का एक नंबर का आंसर। अब 2 नंबर देखिए, 2 में क्या कह रहे हैं, 2 में कह रहे हैं कॉट का स्क्वायर का मान बताइए, यानी कि 2 में कह रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। चलिए हल करते हैं, तो कॉट, कॉट में क्या होता है, बी बाय एच होता है, तो बी बाय एच, इसका बी बाय एच नहीं बी बाय पी होता है आधार बटे लंब, इसका स्क्वायर। आगे सॉल्व करें तो बी का मान 7k बाय एच, पी का मान 8k, इसका स्क्वायर, के कैंसिल, हो गया 49 बटे 64 यानी 64। तो 2 का भी आंसर इतने निकला, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का 1 और 2 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर आठ में लिखा है कि यदि 3 cot a इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं, जांच करना है। देखिए लिख लिया, फिगर बना लिया ABC, और इसमें आपको दिया 3 cot a बराबर 4, तो जांच करना है 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाय 1 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a, और ये कर रहा है बराबर होगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो पहले देखिए इस तरह का जो भी सवाल आता है, पहले आपको तीनों भुजा निकालना है, उसके बाद ही कुछ करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ से अगर cot a निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 4 बाई हो जाएगा 3, तो cot में फॉर्मूला होता है यानी b बाय पी होता है, आधार बटे लंब होता है। तो देखिए अगर इस a की बात करते हैं, a के सामने का भुजा ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, तो लंब हुआ तो लंब है 3, और इसको k मानिए, ये हो गया 4k, ये 5 हो जाएगा, लेकिन निकाल के दिखाना है तो चलिए निकालते हैं। यहाँ से p बराबर हो गया 3k, b बराबर हो गया 4k, बच गया h, h निकालना है तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर, हो जाएगा p का स्क्वायर 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर, ये हो गया 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, तो फाइनल होगा 25k स्क्वायर, 25 का वर्गमूल 5 और k निकल जाएगा, तो h निकल गया 5k, ये हो गया 5k। अब चलते हैं LHS, क्योंकि जांच करना हमको बराबर है या नहीं है। LHS से चलें, LHS में लिखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ये है LHS में बायां साइड, बायां साइड है तो इसमें मान भरिए, 1 माइनस 10, 10 में होता है लंब बटे आधार, यानी कि p बाय b होता है, बाय 1 माइनस 1 प्लस पी बाय बी, यहाँ से मान भरेंगे तो 1 माइनस पी, पी का मान हो गया 3k बाय 4k, 1 माइनस यहाँ भी हो जाएगा 3k बाय 4k, यहाँ प्लस होगा, यहाँ से ये k कट गया दोनों का, तो देखिए क्या होगा, 1 माइनस 3 बाय 4 बाय 1 प्लस 3 बाय 4, एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, तो 4 माइनस 3, उसी तरह यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4, यहाँ भी 4 प्लस हो जाएगा 3, तो ये 4 कट जाएगा, क्योंकि ये उलटता है तो ये 4 कट जाएगा, यहाँ होगा 4 में से 1 गया 3 गया 1 बाय नीचे हो गया 7, ये हो गया आपका LHS। अब RHS में देखिए क्या है, RHS,
आर एच एस यानी राइट हैंड साइड, दाया साइड जो आपको दिया था कॉस स्क्वायर ए यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, देखिए प्रूव करते हैं, जांच करते हैं कि बराबर है या नहीं। तो कॉस में बात करें तो कॉस में सूत्र होता है बी बाय एच, मतलब बी बाय एच आधार बटे कर्ण स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर ये होता है लंब बटे कर्ण यानी पी बाय एच, इसका स्क्वायर मान भरे तो बी का मान 4k बाय एच का मान 5k का स्क्वायर माइनस पी का मान 3k बाय 5k का स्क्वायर, यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये 4×16 बाय 25 और यहाँ हो जाएगा 9/25। एलसीएम अगर बराबर हो तो सीधा ऊपर वाला घट जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 9×7=16 यानी करके दिखा देते हैं बाय 25, ये हो गया 7/25। अब देखिए यहाँ दोनों बराबर है या नहीं है, क्वेश्चन पूछा है कि दोनों बराबर है या नहीं है। यहाँ स्क्वायर छूट गया, देखिए ये स्क्वायर है क्योंकि 10² है, तो यहाँ भी दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 16, उसी तरह यहाँ हो जाएगा 9 यहाँ 16, एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, यहाँ 16-9 हो जाएगा और ये नीचे में एलसीएम 16 रहेगा, उसी तरह यहाँ भी 16+9 होगा और एलसीएम में 16, यहाँ से 16 कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा 7/, ये हो जाएगा 25। देखिए दोनों इक्वल निकल रहा है और हमसे पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि ये दोनों ये और ये बराबर है या नहीं है। यहाँ निकालने के बाद पता चला दोनों का मान बराबर है, तो लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। यही जांच करने के लिए बोल रहा था, तो जांच हो गया, यही हुआ आंसर आपको। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, यदि टेन ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में कह रहा है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और बी में कह रहा है यानी दो नंबर कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो जस्ट इससे पहले जैसा है तो देखिए फटाफट सॉल्व करते हैं, क्या है त्रिभुज में कह रहा है कि बी समकोण है, ABC एक ऐसा त्रिभुज में जिसमें बी समकोण है, तो मान लिए बी को समकोण और ए यहाँ मान लिए सी यहाँ मान लिए। अब क्वेश्चन के अनुसार चलें तो यहाँ लिखा है कि टेन ए बराबर 1/√3 है, टेन में फॉर्मूला क्या आता है पी बाय बी यानी कि लंब बटे आधार। अब ए की बात करते हैं तो ए के सामने का देखिए ये बनेगा लंब, तो लंब हो गया आपको 1 और के मान लीजिए और आधार हो गया आपको √3k मान लीजिए। तो यहाँ से सेम उसी तरह पहले तीनों भुजा पता कीजिए, तो माना कि पी बराबर 1k और बी बराबर √3k, तो यहाँ से एच निकाल लीजिए, एच निकालेंगे उसी तरह पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर, पी का मान हो गया 1k का स्क्वायर प्लस ये हो गया √3k का स्क्वायर का रूट, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, k का स्क्वायर √ समाप्त हो गया, तो हो जाएगा 3k स्क्वायर, तो 3k + 1k² तो हो जाएगा 4k स्क्वायर, तो बाहर निकल जाएगा 2k। यहाँ से पता चल गया एच जो होगा वो 2k होगा। अब एक नंबर में कह रहा है, एक नंबर में निकालिए मान साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसका मान कह रहा है कि निकालिए एक नंबर में, तो हम पहले तीनों भुजा पता कर लिए समकोण त्रिभुज का। अब देखिए इसमें मान पुट करते हैं तो क्या होगा, साइन ए इसके सामने लंब आधार कर्ण, तो ये हो गया पी बाय एच इंटू कॉस सी
सी के लिए चल अच्छी जैसे हम गड़बड़ हो जाएगा नाम लिखते हैं क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है, इसलिए पी बाय एच लिखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, एंगल के अनुसार चलना पड़ेगा। इसके सामने ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, तो सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो बी सी बटे कर्ण हो गया ए सी, और इनटू में कॉस सी, सी के सामने देखिएगा तो ये बनेगा लंब और ये बनेगा आधार, तो कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, आधार हो गया बी सी बटे कर्ण हो गया ए सी प्लस कॉस ए, कॉस ए इसके सामने देखिए ये हुआ लंब, लंब हुआ तो आधार बनेगा ये, तो आधार बटे कर्ण यानी कि ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। उसी तरह साइन सी, साइन सी के सामने का भुजा देखिएगा तो ये हुआ लंब, ये बनेगा आधार, तो फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे कर्ण, लंब हो गया ये ए बी, कर्ण हो गया ए सी, हो जाएगा ए बी बटे ए सी। यहाँ से देखिए दोनों सेम चीज़ है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पूरे का स्क्वायर, क्योंकि बी सी बटे ए सी गुना बी सी बटे ए सी टोटल का स्क्वायर कर दिए, उसी तरह यहाँ भी ए बी बटे ए सी का स्क्वायर कर देते हैं। मान भरिए बी सी हो गया 1k बाय ए सी हो गया 2k इसका स्क्वायर प्लस ए बी हो गया √3k और ए सी हो गया 2k इसका स्क्वायर, यहाँ से k कैंसिल तो 1 का स्क्वायर 1a रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ √3 का स्क्वायर रूट समाप्त और 2 का स्क्वायर हो गया 4, एलसीएम होगा 4 तो 1 प्लस 3 हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो 4/4 कट के हो गया 1। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का एक नंबर का क्वेश्चन आंसर। अब दो नंबर देखिए, दो में क्या कह रहे हैं, दो में कह रहे हैं कि साइन ए प्लस साइन ए कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, दो में ये कह रहे हैं कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान बताइए, फिर उसी तरह पुट करते हैं। कॉस ए, ए के सामने का देखिए, ए के सामने हो गया आपको ये बी सी लंब और ये बनेगा आधार, कॉस में होता है आधार बटे कर्ण मतलब ए बी बटे ए सी, ये हो गया ए बी बटे ए सी गुना कॉस सी, सी के अनुसार चले तो ये बनेगा लंब, ये हुआ लंब, ये हुआ आधार, तो सूत्र होता है आधार बटे कर्ण मतलब बी सी बटे ए सी हो जाएगा, तो बी सी बटे ए सी माइनस साइन ए, ए के सामने देखेंगे तो ये हुआ लंब और ये हुआ आधार, तो सूत्र होता है साइन में लंब बटे कर्ण, लंब हो गया बी सी बटे कर्ण हो गया ए सी गुना, उसी तरह साइन सी चलना है, साइन सी के अनुसार देखें तो ये हुआ लंब ए बी और कर्ण होगा ये, तो लंब बटे कर्ण यानी कि ए बी बटे ए सी। मान बिठाते हैं ए बी का मान हो गया आपको ये √3k बटे ए सी का मान हो गया 2k गुना बी सी का मान हो गया 1k बाय ए सी का मान हो गया 2k माइनस बी सी का मान हो गया 1k बाय ए सी का मान हो गया 2k गुना ए बी का मान हो गया √3k बाय और ए सी का मान हो गया √2k। यहाँ से उसी तरह के सबका कट जाएगा तो इधर से हो जाएगा √3 × 1 करेंगे तो √3/2 × 2 करेंगे 4 माइनस यहाँ से देखिए √3 × 1 करेंगे √3/2 × 2 करेंगे हो जाएगा 4। तो यहाँ से दोनों सेम चीज़ है √3/4 माइनस √3/4 तो घट के हो गया 0। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9 के 2 का आंसर।